सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइन के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आए हैं। मी 11 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन के लाइव इमेजेस आ चुके हैं, ओप्पो रेनो 5 सीरीज लॉन्च हो चुके हैं, रियलमी एक्स 60 सीरीज के बारे में मालूम चला है और भी बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आए हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल रात को दोस्तों लेनोवो K12 और लेनोवो K12 Pro ये दोनों स्मार्टफोन कल रात को लॉन्च हो गए थे और कल रात को ही दोस्तों मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा और आई बटन के सारे वीडियोज को चेकआउट करो, बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है मीडिया टेक के तरफ से। जैसा कि आप जानते हो IMC 2020 का आज आखिरी दिन है और दोस्तों मीडिया टेक ने अपने नए प्रोसेसर डेमेंसिटी 800U को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अब आप बोलोगे सुफियान भाई ये तो पुराना प्रोसेसर है। पुराना है लेकिन इंडिया में नया लॉन्च हुआ है ना, इंडिया में दोस्तों यहाँ पर पहली बार लॉन्च हुआ है ये। अब मीडिया टेक डेमेंसिटी 800U के ऊपर भी दोस्तों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, समझ गए, यानी कि रियलमी X7 X7 Pro इंडिया में भी लॉन्च जल्द से जल्द होंगे, जनवरी के महीने में लॉन्च हो जाएंगे। तो काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है, देखते हैं कुछ और अगर मालूम चला तो आपको बताता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मी 10i की तरफ से। तो दोस्तों ये Geekbench पे पकड़ा गया है, 750G है, Android 10 है और 8GB RAM है। इसका मतलब दोस्तों ये जल्द से जल्द लॉन्च होगा, जनवरी के सेकंड वीक में दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। लीक्स तो अभी तक इतना ही कहते हैं, कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi K40 की तरफ से। तो दोस्तों इसके कुछ नए रेंडर्स आ चुके हैं, देख लीजिए, देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। कैमरा हाउसिंग वैसे टिपिकल है, आजकल के जैसे स्मार्टफोन में दिखता है वैसे दिख रहा है, लेकिन जो पंच होल है वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। और Redmi K40 Pro में दोस्तों आपको पॉपअप सेल्फी देखने को मिलेगा, लीक्स तो अभी यही कहते हैं, कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको बताता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi की तरफ से और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। Xiaomi का अपकमिंग रोलेबल या फिर एक्सटेंडेबल डिस्प्ले वाला जो स्मार्टफोन होगा ना, उसके रेंडर्स आ चुके हैं, देख लीजिए, लेट्स गो डिजिटल ने बनाए हैं और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है यार। अगर ऐसे ही लॉन्च हो जाएगा तो काफी मजा आएगा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं धीरे धीरे आपको सब दिखा दे रहा हूँ। और दोस्तों जो ओप्पो X2021 है ना, उसी की तरह ही होगा, डिस्प्ले एक्सटेंडेबल होगा। आपको दोस्तों कैसे लग रहे हैं ये रेंडर्स, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है वीवो के तरफ से। वीवो का एक नया स्मार्टफोन है V20 3 6, IMDA सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। अभी तक तो इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन मालूम चला है, कुछ और अगर मालूम चला तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। अगर दोस्तों बात कर लें अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से। रियलमी का एक और नया स्मार्ट वॉच इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। नहीं, ये रियलमी वॉच एस नहीं है, ये दूसरा स्मार्ट वॉच है। अब देखते हैं, कुछ और अगर मालूम चलेगा इसके बारे में तो अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से। रियलमी का एक स्मार्टफोन है RMX 3092, ये 3C सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। 65 वॉट का चार्जर है और 5G स्मार्टफोन है। अकॉर्डिंग टू लीक्स ये रियलमी X60 सीरीज का कोई स्मार्टफोन होगा, ज्यादातर चांसेस है कि रियलमी X60 हो सकता है। अभी तक तो दोस्तों इसके बारे में इतना ही मालूम चला है, कुछ और अगर मालूम चला तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है नोकिया के तरफ से। नोकिया का एक स्मार्टफोन है TA1325 जो आज FCC सर्टिफिकेशन और इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। अकॉर्डिंग टू लीक्स ये नोकिया का 5.4 है जो इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। अभी तक तो इतना ही इन्फॉर्मेशन मालूम चला है, कुछ और अगर मालूम चला तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का Neckband Pro और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वायरलेस ईयरफोन, ये दोनों दोस्तों ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगला अपडेट आ रहा है Realme की तरफ से। उसका एक स्मार्टफोन है RMX 3171, ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। अभी तक तो नहीं मालूम है ये कौन सा स्मार्टफोन है, बस इतना मालूम है ये इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। देखते हैं किस रेंज का स्मार्टफोन होता है, कुछ और अगर दोस्तों मालूम चलेगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो रेनो 5 सीरीज को लेकर। तो दोस्तों आज ये लॉन्च हो चुके होंगे, अभी तक टेक न्यूज दे रहा हूं तो लॉन्च हो चुके होंगे, आप टेंशन मत लो। रात के 8 बजे आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के सब कुछ बता दूंगा, लेकिन यहां पर दोस्तों और लीक्स आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये लीक्स कहते हैं कि ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस भी लॉन्च होगा, उसके स्पेक्स बाहर आ चुके हैं, डिजिटल चैट स्टेशन ऐसा कहते हैं। स्पेक्स की बात कर ले तो 6.55 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 4500mAh का बैटरी रहेगा, 65W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 32MP का सेल्फी होगा, 50MP प्लस 16MP प्लस 13MP प्लस 2MP का क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा,
स्नैपड्रैगन का 865 वाला एसओसी देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है। और जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा उसमें सोनी का IMX766 वाला सेंसर देखने को मिलेगा। अभी तक तो यही मालूम चला है, शाम को डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता दूंगा, इसके लिए स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी X7 Pro की तरफ से, तो ये 17 तारीख को थाईलैंड में लॉन्च हो जाएगा। ऑफिशियल पोस्टर भी आ चुके हैं। कुछ और अगर मालूम चलेगा इंडिया लॉन्च डेट से रिलेटेड तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मी 11 सीरीज को लेकर। तो दोस्तों मी 11 और मी 11 प्रो के लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लीजिए। मी 11 का दोस्तों सबसे पहले देखिए, पैंट में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर साइड में दोस्तों आपको वैसे ही कैमरा हाउसिंग देखने को मिलता है, काफी चमक रहा है, काफी शाइनिंग कैमरा मॉड्यूल है। और दोस्तों जो मी 11 प्रो है उसका भी देख लीजिए दोस्तों, कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा है और पूरे रेंडर्स जो दोस्तों मैं दिखाया हूँ उससे पूरा मैच करते हैं। बस दोस्तों अब जनवरी के फर्स्ट वीक में तो ये लॉन्च हो जाएंगे, ज्यादा दिन दूर नहीं है। कुछ और अगर मालूम चलेगा तो ऐसे ही मैं आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो वॉच 1 की तरफ से। तो दोस्तों ये EEC सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, टेक्नो का स्मार्ट वॉच भी आने वाला है। कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। अगला अपडेट आ रहा है लेनोवो लीजन लैपटॉप्स को लेकर। लेनोवो लीजन S7 को भी आप ले लीजिए, वो भी सही है। ये सब जो दोस्तों लैपटॉप्स हैं ना, इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं, काफी पावरफुल लैपटॉप्स हैं। और दोस्तों ये इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे। अगर आप कोई लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो वेट करो, ये बहुत ही अच्छे लैपटॉप्स हैं, आपको बहुत ही दोस्तों अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ और अगर दोस्तों मालूम चलेगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से। रियलमी का वॉच S बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। माधव सेठ जी ऑफिशियल पोस्टर भी यहां पर दिखा चुके हैं, देख लीजिए। दो स्मार्ट वॉच दिख रहे हैं, मेरे को लग रहा है दोस्तों वो एक ही है। शायद दोस्तों रियलमी वॉच S और रियलमी वॉच S प्रो भी दोस्तों लॉन्च हो जाए, क्योंकि दोस्तों अभी मैं टेक न्यूज में बताया था ना, एक और स्मार्ट वॉच यहां पर BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, शायद वो रियलमी वॉच S प्रो हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ और अगर मालूम चलेगा लॉन्च डेट से रिलेटेड तो आपको बताता रहूंगा। वैसे कल के टेक न्यूज में मैं कहा था 23 तारीख को रियलमी वॉच S सीरीज लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अच्छा है। अगर आप दोस्तों Redmi Note 8 या फिर Redmi Note 8 Pro यूज करते हो तो आपको बहुत ही जल्द Android 11 का अपडेट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी इसके बारे में कंफर्मेशन तो हो गया है, जल्द ही रोल आउट दोस्तों चालू हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi 9 Power को लेकर। तो दोस्तों ये ऑफिशियली 17 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। मनु कुमार जैन भी कह चुके हैं और पोस्टर्स भी आ चुके हैं। मैं दोस्तों 15 तारीख का था, लेकिन लीक्स तो लीक्स होते हैं, दो दिन आगे दोस्तों ये लॉन्च हो जाएगा। कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा। वैसे एक इमेज भी आ चुका है, देख लीजिए, बिल्कुल Redmi Note 9 4G की तरह ही दिखता है, बस यहाँ पर दोस्तों नाम चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo Y12s को लेकर। ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, इसका मतलब ये बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। कुछ और अगर दोस्तों मालूम चला तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है iPhone 12 Pro को लेकर। तो दोस्तों इसका एक लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट रेंडर्स आ चुके हैं, देख लीजिए, देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों इसका प्राइस क्या होता है बस यही जानना है। कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo की तरफ से। Vivo इस नाम से ट्रेडमार्क आज किया है, इसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन तो मालूम नहीं चला है। कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। अगला अपडेट आ रहा है डिजिटल चैट सेशन की तरफ से। मैं कई बार बता चुका हूं ये बहुत बड़े टिप्सर हैं, जो भी लीक्स जो भी बातें बताते हैं काफी ऑथेंटिक होते हैं। ये दोस्तों ऐसा कहते हैं कि Mi 11 सीरीज में आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और Redmi K40 सीरीज में भी आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Pro Ultra, Redmi K40, K40 Pro, K40 Ultra। अभी तक तो दोस्तों इतना ही मालूम चला है, कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy A72 5G को लेकर। तो दोस्तों ये Samsung का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको पेंटा कैमरा देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, तो पेंटा कैमरा सेटअप के साथ आएगा। अभी तक तो इतना ही मालूम चला है, कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन मालूम चला तो आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। फाइनल अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का 110 इंच का माइक्रो LED टीवी साउथ कोरिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइस जानते हो कितना है? 1.15 करोड़, 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का दोस्तों लॉन्च हुआ है। देखते हैं इसका कौन दोस्तों सबसे पहले अनबॉक्सिंग करता है और कौन यूट्यूबर इसका रिव्यू करता है। कुछ भी दोस्तों मालूम चला ना, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा।
तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए आज के टेक न्यूज में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टेक न्यूज अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग गया तो उसको तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। और ओप्पो रेनो 5 सीरीज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के शाम को 8 बजे सब कुछ बताऊंगा, तो उसके लिए भी जरूर से स्टे ट्यून करिएगा। जस्ट डू इट। इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग ओवर, स्टॉप गिविंग अप।